संदेश में भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। तैयारी के संदर्भ में आज जिला कमेटी की बैठक चल रही है। मेरा नाम कुणाल माले राय। हम लोगों की पार्टी ने आगामी 27 सितंबर को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ एक राज्य स्तरीय रैली पटना में करने का फैसला किया है। हम लोग देख रहे हैं कि देश में भाजपा की जब से सरकार आई है, यहाँ के लोकतंत्र पर, संविधान पर जो कुछ भी सकारात्मक था, सब पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और इसके खिलाफ एक बड़े जनसंघर्ष की ज़रूरत है। और हमारी पार्टी विगत अप्रैल महीने से भाजपा के खिलाफ एक उनके नीति का, उनकी राजनीति के भंडाफोड़ का अभियान हम लोग चला रहे हैं। अप्रैल महीने में हम लोगों ने पूरे राज्य स्तर पर बड़ी बड़ी पदयात्राएँ की और उसका समापन हमने गांधी मैदान के महासम्मेलन में किया। उसके दूसरे चरण में गांव-गांव की पदयात्रा रखी गई ताकि सघन ढंग से लोगों तक बात जाए। और फिर हमने जन सम्मेलन आयोजित किए जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उसको हमने उन्हें चिन्हित किया। और अभी पूरे राज्य में ग्रामीण गरीबों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, प्रखंड मुख्यालयों पर आंदोलन का सिलसिला चल रहा है। और अभी इसी 26 तारीख को इमरजेंसी दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में लोकतंत्र बचाओ दिवस हम लोग मनाएंगे और उसी दिन से रैली की तैयारी की शुरुआत होगी। और 3 महीने तक हम एक सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और राज्य के 50 लाख परिवारों के पास जाकर उनसे हम इस लड़ाई में सहयोग पैदा करके एक झगड़ा का और लड़ाई का माहौल बना करके देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक उग्रवादी माहौल बनाने के बजाय एक शांति का माहौल बनाए, तभी देश का विकास होगा, लोगों की जान बचेगी। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और उग्रवाद फैलाने और पाकिस्तान को प्रकारांतर में मुसलमान के खिलाफ एक माहौल बनाने में सरकार इस्तेमाल करती है और लगातार वहाँ के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। और इस सरकार की एक उग्रवादी, एक सांप्रदायिक नीति की वजह से सक्रिय हो रही है। देश में गठबंधन के प्रति जो होड़ चल रहा है, क्या उस गठबंधन पर विश्वास करते हैं आप? क्या आप तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? देखिए, मैंने जब से भाजपा की सरकार आई है, फांसीबाजी सरकार है और इसके खिलाफ निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। और इसके लिए जितने भी गैर फांसीबाजी जो पार्टियाँ हैं, तमाम लोगों को मिल करके किसी किस्म का आपस में समझौता, तालमेल करके भाजपा के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा कोई उसके खिलाफ लड़ाई का कोई एक तालमेल, कोई व्यवस्था, कोई मोर्चा बने। क्या कांग्रेस का
सारा चरित्र ठीक रहे हैं या कांग्रेस अच्छी पार्टी के रूप में उभरेगी, क्या उसके साथ जाना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस या लालू यादव जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ में हमारे बहुत सारे उनकी नीतियों के सवाल पर बहुत सारे हमारे मतभेद हैं, उनकी राय हमारी राय में बहुत सारे मुद्दे पर विरोध है। लेकिन जहाँ तक भाजपा को सत्ता से हटाने का सवाल है, ये हम समझते हैं कि देश के सामने एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस लिहाज से इनके साथ में किसी किस्म का कोई अगर एडजस्टमेंट होता है तो हम समझते हैं कि वो जल्दी है। अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम कुणाल माले राय से।